हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आकाश एनजी की तरफ से आ रही है, यानी कि आकाश के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की तरफ से, जहाँ पे मैंने 2 घंटे पहले यहाँ पे ट्विटर पे अपडेट दिया हुआ था कि आकाश के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया। तो यहाँ पे अब कंफर्मेशन भी आ गई है, साथ ही साथ जो पिक्चर है वो भी रिलीज कर दिया गया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था। इसके अलावा इस सिस्टम में, जैसे कि पहले वाले सिस्टम में यहाँ पे रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पे डुअल पल्स रॉकेट मोटर इंजन का यूज़ किया जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, जहाँ पे जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ लगाया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो रेंज है, यानी कि जो ओवरऑल रेंज है, वो 80 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, यानी कि बराक 8 से थोड़ी कम है रेंज, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी रेंज है। इसकी कॉस्ट भी कम होने वाली है, जो कि पहले के आकाश जो सिस्टम आ रहे थे, यानी कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि पर मिसाइल की प्राइस ज़्यादा पड़ जाती थी। लेकिन इस प्राइस को भी यहाँ पे कम किया गया है, रेंज भी बढ़ाई गई है, साथ ही साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा क्योंकि डुअल पल्स पे काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो फ्यूल भी इसमें कम यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी जो हिट एक्यूरेसी होती है वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि जो किल प्रोबेबिलिटी होती है सिंगल मिसाइल को लेकर, वो पहले वाली मिसाइल में 88% के अराउंड थी, तो उसको बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब इस मिसाइल में अराउंड 95% से ऊपर की रहने वाली हर मिसाइल की जो किल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है टेडबेफ की तरफ से, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जहाँ पे जो LCA नेवी है उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है और जो भी डेटाज हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है कि उसको यूज़ किया जाएगा टेडबेफ में, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में। और साथ ही साथ इस फाइटर जेट को यूज़ करना है INS विक्रांत पे से भी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें में अपडेट आई है कि इस फाइटर जेट का जो विंग टनल टेस्ट है वो आने वाले कुछ महीनों में किया सकता है, यानी कि कुछ हफ्तों में भी किया जा सकता है। डेट जो है वो एग्जैक्ट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी मोस्ट पॉसिबल है कि अप्रैल से पहले पहले इसका जो विंग टनल टेस्टिंग है वो कर लिया जाए, उसके बाद विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म पर भी काम किया जाना है और साथ ही साथ फिर उसके बाद प्रोटोटाइप पे भी काम किया जाएगा जब इसके डिज़ाइन फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अभी इसके डिज़ाइन को पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं किया गया है, जो भी डिज़ाइन आपको शोकेस किया जा रहा है, यानी कि जो 3D मॉडल शोकेस किया जा रहा है, वो इसका फाइनल डिज़ाइन नहीं है। इस पर अभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं और 2022 में इसके डिज़ाइन को पूरी तरीके से फाइनल किया जाएगा और उसके बाद जो प्रोटोटाइप है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है चाइनीज़ कुटाई की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि नाकुला सेक्शन में, जो आपको ये नाथुला नहीं है, ये नाकुला सेक्शन है, दोनों ही एक अलग जगह हैं और दोनों ही इंडिया की जगह हैं और चाइना भी इसको मानता है, लेकिन फिर भी चाइना को आपको ऑलरेडी पता, वो अपने मसल्स को फ्लैक्स करने से कभी भी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा एस्ट्रॉइड्स लिए रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से चाइना ने यहाँ पर घुसने की प्रयास किया, यानी कि जो PLA है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी है, वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी और ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ का कुछ दिनों पहले कहना कि हम भी एग्रेसिव हो सकते हैं, इंडियन आर्मी के चीफ का जो दौरा है वो होना, इंटेल की तरफ से ये बताया जाना कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वो स्पाइंग कर रहे हैं इंडियन जो बैटल फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं हुई हैं, इन सभी चीज़ों का एक रिलेशन है और आज फिर से वही चीज़ें सामने आई हैं कि 3 दिनों पहले चाइनीज़ पेट्रोलिंग पार्टी आ रही थी और आपको पता होगा पहले आर्मी आती है उनकी, उसके बाद लोग आते हैं, फिर वो चाइनीज़ जो जगह है वो वहाँ पर कब्जा करने के लिए बैठ जाते हैं, वहाँ पर घर बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इंडियन आर्मी ने उन्हें पकड़ा है, अच्छे से कुटाई की है, उसके बाद ही वापस भेजा है। यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ की भी बात आई है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि 20 चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि 13 चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो डेड हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी अनकन्फर्म्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 इंडियन आर्म पर्सनल्स जो हैं वो यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। अभी भी चाइनीज स्टेट मीडिया का कहना है ये सारी चीज़ें फेक हैं, इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें सच है और चाइना हमेशा ही इन सभी चीज़ों को छुपाता रहता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट के तरफ से। तो यहाँ पे जितने भी इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के जितने भी प्लेन्स हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या फिर फाइटर जेट्स भी हो गए, तो वहाँ पे इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाना है। ये जो सिस्टम होगा ये सेटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन देगा, यानी कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी इंडियन आर्म फोर्सेज के जो भी प्लेन्स होगा, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, उन सभी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड ये ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कोविड वैक्सीन हो गई, इन सभी चीज़ों को डिलीवर करना है। तो अभी जैसे कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, तो ये सारी कोविड वैक्सीन्स भी हमने डिलीवर की हैं बाकी सारे देशों को, तो चाइना भी इन सभी चीज़ों से खुंदक में है और उन्हें बहुत भी चिढ़न मच रही है इंडिया से, इस वजह से वो सारे जो स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उन सभी में इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया जाना है और उसके बाद आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। इवन Su-30MKI का जो सुपर सुखोई अपग्रेड है, वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को लगाने का प्लान किया गया है, लेकिन अभी भी HAL वेट कर रही है कि सुपर सुखोई को कब एक्सेप्ट किया जाएगा
और अगर इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं, यानी कि ये जो सिस्टम है लगा दिया जाता है, तो हमारे जो जितने भी जेट्स होंगे या फिर जितने भी आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे जो कि आर्म फोर्सेज में यूज़ किए जाते हैं, उन सब की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती रहेगी फोर्सेज को। तो कभी भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होगा या फिर ऐसे कोई चीज़ें नहीं आएंगी, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा कि हमारे जो प्लेन है वो किसी तरीके से रेडार से बाहर चला गया या फिर रेडार से गायब हो गया। जैसे कि हमने पहले ही ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 2-3 बार घटना हो चुकी है, तो हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो ये जो घटनाएँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी और इवन हो सकता है कि ये सारी घटनाएँ बंद भी हो जाएँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है तेजस मार्क 1A की तरफ से और HAL के चीफ की तरफ से। तो यहाँ पे तेजस मार्क 1A की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्मल साइनिंग है वो तो एयर इंडिया में होने वाला है, आप सभी लोगों को पता होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन यहाँ पे HAL का अब ये कहना है कि ऑलरेडी उनके पास जो कंट्रीज़ हैं, जो कि कंट्रीज जो तेजस को खरीदना चाहती हैं, उनकी तरफ से चीज़ें क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं कि कब इसका इसकी जो डिलीवरी है वो किस तरीके से होने वाली है। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको इवेल्युएट करना चाहती है, यानी कि तेजस मार्क 1A को इवेल्युएट करना चाहती है। तो मोस्ट पॉसिबल ऐसा है कि अराउंड 2025 या 2026 में इसकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उन कंट्रीज को भी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कहा है HAL ने कि जो 16 एयरक्राफ्ट है वो तो इंडियन फोर्सेस को मिलते ही रहेंगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को तो मिलते ही रहेंगे, उसके अलावा जो Su-30 MKI को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वो प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी खाली रहेगी। और इवन उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नई प्रोडक्शन लाइन पे भी काम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो कि छोटी कंट्रीज़ हैं जिन्हें तेजस में इंटरेस्ट है, और जब इंडियन एयरफोर्स को ये सारी चीज़ें डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जब ADT तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है बहुत जो भी कंट्रीज इनसे खरीदना चाहेंगी वो इसका ऑर्डर प्लेस करने वाली हैं, क्योंकि जब तक अपनी फोर्सेस में ये सारी चीज़ें डिलीवर होकर वो टेस्ट नहीं कर लेते, यानी कि बाकी कंट्रीज टेस्ट नहीं कर लेती, तब तक इसका ऑर्डर नहीं मिलने वाला। बात कर लेते हैं आखिरी अपडेट के बारे में, तो ये जो अपडेट है ये पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। तो CH-4 करके एक जो ड्रोन है जो कि चाइनीज़ ड्रोन है, इसको यहाँ पे पाकिस्तान ने प्रोक्योर किया हुआ है, यानी कि 4 की संख्या में आज उन्हें डिलीवरी मिल गई है इन सारे ड्रोन्स की। अभी तक हमने इन ड्रोन्स को नहीं खरीदा, यानी कि कोई भी अमेरिकन ड्रोन्स को नहीं खरीदा है जो कि आम ड्रोन्स हों। इसके अलावा इन्होंने जो 4 की संख्या में खरीदा है इसके जो वेरियंट है वो भी नहीं बताया गया है कि CH-4A, B, या C और D है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं कि 40 घंटे की इंड्योरेंस रखता है। इसके अलावा इसमें जो 4 बॉम्ब्स लगाए हैं वो 50 kg ईच होने वाले हैं, 1300 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों को कंसर्न आएगा कि ये चाइनीज़ ड्रोन है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी नहीं है और साथ ही साथ ये अच्छा ड्रोन है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें ड्रोन खरीद लेने चाहिए क्योंकि ये ड्रोन ऑपरेशनल है चाइनीज़ फोर्सेज में भी, पाकिस्तानी फोर्सेज को भी मिल चुका है। अब हमें जो 12 की संख्या में बात की गई उसका ऑर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि 4th सबसे बड़ी वायुसेना के पास ड्रोन ना होना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि ड्रोन हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।